हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड ऐप। तो फ्रेंड्स, कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि उन लोग का जो परीक्षा है वो कब तक ली जाएगी इसमें बताया गया है, एंड क्या क्या इसमें गाइडलाइंस आपको फॉलो करने होंगे, कैसे मतलब कब आप लोग की परीक्षा ली जाएगी, सारी चीज़ें से वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन प्रमोट करने के बावजूद भी आप लोगों की परीक्षा ली जा रही, तो क्यों ली जा रही है, क्या कारण है, सभी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आप हर फ्रेंड्स को पता चल जाए कि आप लोग की परीक्षा होगी। मैंने प्रीवियस से ही बोल रखा था कि आप लोग की परीक्षा होगी, लेकिन फ्रेंड्स में ये नहीं बताया जा रहा था कि आप लोग का मंथ मतलब कब परीक्षा होगी। ठीक है, इसमें सभी चीज़ें क्लियर कर दी गई, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक एंड शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक हम लोग 600 रखते हैं यार, तो फटाफट से पूरा करा देना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा करा दोगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट कर दिया। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जैक गर्व छुट्टी तक संचालन की तैयारी, मतलब गर्व छुट्टी तक कक्षा के संचालन की तैयारी, मतलब आप लोग की जो कक्षाएं हैं गर्मी छुट्टी तक चलेंगे। ठीक है, यानी गर्मी छुट्टी जब हो जाएंगी आप लोग की, शायद उसके बाद आप लोग की कक्षाएं नहीं चलेगी, क्योंकि साफ साफ लिखा जा रहा है गर्मी की छुट्टी तक कक्षा संचालन की है तैयारी, मतलब गर्मी छुट्टी तक आप लोग की कक्षाएं जैसे चल रही हैं वैसे चलेंगे। ठीक है, 8वीं 9वीं की परीक्षा जून, 11वीं की परीक्षा जुलाई तक। ठीक है, 8वीं और 9वीं की जो परीक्षा है वो जून में होगी, और कक्षा 11वीं की जो परीक्षा है वो जुलाई में होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, आप लोग का जो कॉलेज खुला है, स्कूल खुला है, वो मार्च से खुला, मार्च अप्रैल मई जून आप लोग को 3 महीना पढ़ाई करने का समय देना था, 3 महीने पढ़ाई करने का समय आप लोग को दिया जाएगा, और फिर जून और जुलाई में आप लोग की परीक्षाएँ ले ली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पूरे जानते हैं पूरे न्यूज़ को फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को हर चीज़ें क्लियर कर पाऊँ मैं। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर दिया इसको फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को भी अच्छा से दिख जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये आज के रांची के न्यूज़पेपर में आया हुआ फ्रेंड्स, प्रभात खबर, तो आप लोग जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा जुलाई तक होने की संभावना, यानी एक राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो जुलाई में होंगी, जैसे कि आप लोग ऊपर में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा जा रहा है कक्षा 8वीं 9वीं की परीक्षा जून तक हो सकती है, और कक्षा 11वीं की जो परीक्षा है वो जुलाई तक हो सकती है। ठीक है, 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद जून में ली जा सकती है, मतलब जैसे ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाती है, उसके जस्ट बाद ही कक्षा 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है, जबकि कक्षा 11वीं की परीक्षा मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन के बाद जुलाई में हो सकती है, मतलब जब तक मैट्रिक और इंटर की जो बोर्ड एग्जाम्स की जो कॉपियाँ जब तक चेक नहीं हो जाती है, तब तक आप लोग की परीक्षा नहीं ली जाएगी, क्योंकि जब तक आप लोग की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन उनका नहीं हो जाता है, तब तक इसलिए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग का भी कॉपियों का मूल्यांकन करना होगा, आप लोग का भी रिजल्ट जारी करना होगा, तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स। और फिर इधर से कक्षा 8वीं और 9वीं का भी यहाँ पे आ जाएगा, उन लोगों पर ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा स्लो आप लोग का एग्जाम्स लेंगे। ठीक है, इधर 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो उम्मीद है आप लोगों ने कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। ठीक है, झारखंड देखिए यहाँ पे हो गई है 11वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर झारखंड अकेडमिक काउंसिल द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, मतलब देखिए यहाँ पे 11वीं की जो बोर्ड परीक्षा को लेकर के झारखंड अकेडमिक काउंसिल की तरफ से बोर्ड मतलब मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, मतलब इस बार तो जारी नहीं किया गया, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर है आप लोगों को शायद करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तभी यहाँ पे बोला जा रहा है झारखंड अकेडमिक काउंसिल की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया, परीक्षा की तिथि अप्रैल के अंत तक घोषित कर दी जाएगी, मतलब परीक्षा की जो तिथि है नई वाली आप लोग की कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की जो बोर्ड परीक्षा का जो तिथि है, ठीक है, मतलब डेट जो है वो आप लोग को यहाँ पे अप्रैल के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, जैसे ही आता है फ्रेंड्स आप लोग का एग्ज़ाम डेट। ठीक है, यानी कि रूटीन आप लोग को मैं आप लोग को सबसे पहले दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना यार। ठीक है, जुलाई में मैट्रिक इंटर का रिजल्ट, मतलब जुलाई में जो है मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आ जाएगा, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी, जुलाई के अंत तक रिजल्ट आ सकता है। परीक्षा को लेकर केंद्र का निर्धारण अंतिम चरण में, कोविड-19 को वर्ष में देखते हुए दोगुना निर्णय लिया, मतलब जो है यहाँ पे कोविड-19 वर्ष को देखते हुए इसमें केंद्रों की संख्या दोगुना कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैट्रिक और इंटर के कॉपियों के मूल्यांकन के बाद परीक्षा अप्रैल में नहीं होगा, नया सत्र शुरू, मतलब आप लोग की जो मैट्रिक सॉरी यस 12th का जो नया मतलब नया सत्र जो है फ्रेंड्स आप लोग का, वो नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल में शुरू नहीं होगा,
आठवीं और 8वीं से 11वीं के विद्यार्थी का नया सत्र अप्रैल की जगह जुलाई अगस्त से शुरू होगा, ठीक है। मतलब जो है आप लोग इस कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की जो कक्षाएं हैं, नया सत्र जो शुरू होता था अप्रैल में फ्रेंड्स, उसके जगह जुलाई अगस्त में शुरू होगा। इसके अलावे जो सरकारी विद्यालयों में की कक्षा 1 से 7वीं तक के बच्चों को अगली कक्षा प्रमोट करने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, यानी कि जो 1 से 7वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए अंतिम कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। विभागीय स्तर पर विचार किया जा रहा है 1 से 7वीं तक के विद्यार्थियों को फिलहाल बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। मतलब जो है इस वर्ष फिलहाल जो है कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाए। विद्यालय खुलने पर इन बच्चों का भी मूल्यांकन होगा, मतलब विद्यालय खुलने पर इन बच्चों का भी मूल्यांकन किया जाएगा कि कैसे पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। उल्लेखनीय है कि राज्य में पहले से 7वीं तक के बच्चों का कक्षा संचालन शुरू नहीं हुआ। मतलब जो है उल्लेखनीय, जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक की कक्षाएं अभी नहीं चल रही है। मतलब गवर्नमेंट ने कोई भी गाइडलाइंस इनके लिए नहीं दिया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं यार कि क्लास 8, 9th और 11th का जो एग्ज़ाम है, 8 और 9th का एग्ज़ाम जो है वो आप लोग का मैट्रिक और इंटर का जैसे ही परीक्षा खत्म होता है वैसे ही आप लोग का लिया जा सकता है, ठीक है। और आप लोग की जो क्लास 11th का जो परीक्षा है जुलाई में लिया जाएगा, जैसे ही मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन खत्म हो जाता है उसके बाद आप लोग की जो परीक्षा है वो ली जाएगी। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग की जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बतलाना, मैं अपने साइट में अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, www.jharkhandlab.com आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप लोग पहले बताओगे तब मैं करूंगा, कुछ दिन का टाइम देना मैं कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को बताया जा रहा है यहाँ पे देख सकते हो जो कि आप लोग की परीक्षा का जो मतलब रूटीन है वो अप्रैल के अंत तक में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो यार आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी, अपडेट पसंद आया होगा, जरूर से एक लाइक कर देना। और हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि एग्जाम लेने के बाद आप लोग को प्रमोट किया जाएगा, मे भी प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि अपडेट्स आए हुए थे फ्रेंड्स कि प्रमोट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अगर अच्छे लगे जो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।